हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपना और अपने गार्डन का बहुत ज़्यादा ख्याल आप सभी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ प्लांट्स आपके सामने रखे हुए हैं, तो बस कुछ जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी है वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लांट्स का नाम, उनकी प्राइस और किस तरीके से इनकी केयर की जा सकती है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इन बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले, इसे बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, इसे मंकी माउथ भी कहते हैं और वैसे इन्हें पेंजी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इनके शेड्स होते हैं। देखिए आप, दो तीन शेड्स इसमें एक ही फ्लावर में मिक्स होते हैं और बिल्कुल तितलियों की तरह बहुत ही ज़्यादा हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो इसकी केयर के बारे में मेरे चैनल पर है, अगर आप चाहें तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसे आप सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ी कम करेगा और बहुत ज़्यादा फुल सन में ना रखें, अभी ठंड की सन तो ये झेल लेगा। तो बस इन्हें एक साथ रखिए और बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले गमले इन प्लांट्स को नहीं चाहिए। तो वैसे मैंने 6 प्लांट्स लिए हुए हैं, दो दो शेड के एक जैसे, और वो मुझे 25 रुपीज़ ईच पड़ा था। अब ये 3 प्लांट मैंने लिए हैं, देखिए इसे वेलवेट फ्लावर भी कहते हैं और इसे कॉक्सकॉम भी कहते हैं। ये सिलोसिया फैमिली से होते हैं। सिलोसिया में बेसिकली बहुत ही लंबे लंबे स्टॉक जैसे फ्लावर निकलते हैं और इसमें मुर्गे की जो कलगी होती है उसकी तरह, इसीलिए इसे कॉक्सकॉम भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर इसे ज़मीन में लगाया जाए तो बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स इसके आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे मैंने 3 प्लांट्स लिए हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। और अब ये आते हैं हम, ये देखिए ये जो प्लांट्स हैं इसका नाम है कार्नेशन। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगते हैं, पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये फ्लावर्स, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे मिनिएचर रोज़ होते हैं बिल्कुल उसकी तरह छोटे छोटे से इसके फ्लावर होते हैं और काफ़ी दिनों तक इसके एक एक फ्लावर लास्ट करते हैं। और कलर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल शेडेड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मल्टी पेटल्स होती हैं तो बिल्कुल दूर से आपको रोज़ की तरह दिखेंगे और बिल्कुल भर भर कर इसमें गुच्छों की तरह इसमें फ्लावर आते हैं। इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कलियां भी आपको दिखेंगी। तो इस तरीके के मैंने 5 प्लांट लिए हुए हैं, दो दो शेड एक जैसे और एक वाइट कलर का लिया है। तो ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाले हैं। पानी इन सारे जो भी प्लांट्स मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ सबकी केयर एक जैसी है। वेलड्रिन सॉइल चाहिए, धूप इनको सर्दी की पूरी चाहिए और पानी मिट्टी सूखने पर ही आप डालें। सिर्फ इन 3 केयर पर ही ये सारे प्लांट बहुत ही अच्छे से चलने वाले हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा गहरे गमलों में ना लगाएं तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने जीनिया के 3 प्लांट लिए हैं। ये जो है बहुत ही प्यारा सा रानी कलर है और ये बड़ी वाले जो क्वालिटी होती है, बड़े वाले जो फ्लावर्स आते हैं वो वाले हैं। ये मीडियम वाले हैं और एक आपने रेड कलर का देखा, वो भी बड़ी साइज़ के फ्लावर आएंगे, वो वाले प्लांट हैं। तो इस तरीके से मैंने जीनिया के 3 प्लांट लिए हैं। ये मुझे थोड़े से महंगे पड़े हैं, 50 और 60 रुपीज़ ईच मुझे पड़ा था वो। और ये जो 3 प्लांट हैं ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे पेरिनल प्लांट हैं। ये हैं हमारे कॉस्मोस, जो कि पूरे साल भर हमारे साथ रहते हैं। वो भी मैंने 3 प्लांट लिए हैं और वो भी मुझे 20 रुपीज़ ईच पड़े हैं। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जरेनियम, इसकी भी पूरी कंप्लीट केयर पर एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसकी भी मैं लिंक नीचे दे दूंगी। ये भी जो प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं और बिल्कुल बीच से एक स्टॉक निकल कर इसका फ्लावर निकलता है। पानी कम चाहिए, धूप चाहिए और मिट्टी इसकी वेलड्रेन होनी चाहिए। तो इस तरीके के मैंने 2 प्लांट लिए हैं और 2 पहले से मेरे पास हैं। ये प्लांट मुझे 50-50 रुपीज़ ईच पड़े हैं क्योंकि अभी छोटे हैं, जैसे जैसे ये प्लांट बड़े होते जाएंगे उनकी प्राइस सर्दियों में बढ़ती जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा जो स्टॉक है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये सिंगल पेटल वाला मेरे पास है, इसका नाम है स्टॉक फ्लावर। स्टॉक फ्लावर इसीलिए है क्योंकि बीच से बिल्कुल एक लंबा सा स्टॉक निकला है और बहुत सारे गुच्छों में इसमें फ्लावर्स आते हैं।
बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं पत्तियाँ भी बहुत ही खूबसूरत लंबी लंबी। और इसमें मैंने दो ये बेबी पिंक वाले एक जैसे प्लांट लिए हैं, दो थोड़े से पिंक कलर के मैंने एक जैसे लिए हैं, चार ये हो गए। और एक मैंने लिया है बिल्कुल, आप देखिए ये जामुनी कलर जो कहते हैं वैसा वाला। तो इस तरीके से मेरे पास ये पांच प्लांट हैं। इन सब को मैं एक गमले में लगाने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से सोचा हुआ है। कुछ गमले भी मैंने लिए हैं इनके लिए, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो प्लांट है ये मुझे 25 रुपीज़ ईच पड़ा है। तो इस तरीके से मैंने ये पांच प्लांट लिए हैं। देखिए एक थोड़ा सा छोटा सा स्टॉक मेरे हाथ से टूट चुका है यहाँ पर, ये देखिए। कोई बात नहीं, फिर से थोड़ी केयर करने पर नया स्टॉक आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं एक साथ, बिल्कुल बूके वाला फूल जो फील होता है वो देते हैं ये जब हम बहुत सारे प्लांट एक गमले में लगाते हैं तब। अब ये जो है थोड़ा सा उससे मिलता जुलता फ्लावर है स्टॉक फ्लावर से, लेकिन इसका नाम है डॉग फ्लावर। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसके भी शेड्स बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं। और बिल्कुल एक स्टॉक में निकलने वाला ये फ्लावर है, बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक ही स्टॉक में निकलते हैं और शेड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अभी इसके कलर मुझे नहीं पता चले हैं, ये एक थोड़ा सा लाइट शेड है जिसमें हल्का सा पीच और पिंक कलर का शेड है, हल्का सा येल्लो कलर भी है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये भी दिखने में लग रहा है। और ये जो है ये पिंक का एक शेड है, डार्क और लाइट, इसमें भी येलो येलो टच है कहीं पर, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसे डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो दो पेटल्स के बीच में माउथ जैसा शेप बना हुआ है, फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। और बिल्कुल ये दोनों ओपन हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो वो भी मैंने पाँच प्लांट लिए हैं और वो भी मुझे 25 रुपीज़ ईच पड़ा है। और देखिए इस तरीके से ये जो मैंने शॉपिंग करी है प्लांट्स की, ये सब आपके सामने हैं और इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये कुछ गमले लिए हैं जिसमें मैं उन्हें लगाने वाली हूँ। ये जो गमले हैं ये देखिए बिल्कुल फेंसिंग का जो लुक होता है वैसे ये गमले हैं। ऐसे मेरे पास दो वाइट कलर के पहले से थे और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। ये मुझे अलग अलग शेड्स में वहाँ पर मिले दिख रहे थे और मैंने येलो कलर के लिए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में सारे आप देखेंगे येलो और रेड कलर के ही सारे गमले आपको नज़र आएंगे। देखिए नीचे इस तरीके से छेद मैंने बनाया है, एरिस्टो कंपनी का है और मेड इन इंडिया है। बहुत ही अच्छा इनका जो प्लास्टिक है वो मुझे लगा, क्योंकि पहले से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, कोई शिकायत मुझे अभी तक नहीं आई है। सबसे अच्छी बात जो इसकी मुझे लगती है कि इसमें हैंडल बने हुए हैं जिसे उठाकर इधर से उधर ले जाना बहुत ही इजी हो जाता है और बिल्कुल फ्लेक्सिबल इनका जो मटेरियल है वो है, इसलिए बहुत जल्दी इसमें क्रैक होने की संभावना मुझे नहीं लगती। तो देखिए सब में मैंने छेद बना लिए हैं और सब में मैं पांच पांच प्लांट या चार प्लांट एक साथ लगाने वाली हूँ, तो बिल्कुल वो बूके वाला जो फील है वो इसमें मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी।